जय हिंद, वेलकम टू एयरपोर्ट कोचिंग। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस शॉर्ट ट्रिक्स माध्यम से कैसे सॉल्व किए जाते हैं। देखिए, जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एपी का। देखिए, यहाँ पर दसवां पद 15 दे रखा है और 15वां पद 10 दे रखा है, तो आपको यहाँ पर 25वां पद याद करना है। तो देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन को आसान तरीके से सोल्व करना चाहते हैं तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो देखिए, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, एपी का पीमा पद क्यू है और क्यूमा पद पी दे रखा है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि टी पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। और देखिए, यहाँ पर टी आर इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं आप, पी प्लस क्यू माइनस के आर। देखिए, एपी है तो एपी में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर दो वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ए और डी, यानी कि आप कह सकते हैं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का पता चल जाएगा तो आप कोई भी पद निकाल सकते हैं एपी का। तो देखिए, जैसे यहाँ पर टी पी दे रखा है, क्यू है और क्यू टी क्यू इज इक्वल टू पी दे रखा है, तो आप इन दोनों को सोल्व करेंगे। तो जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से इन दोनों से वैल्यू ए और डी की वैल्यू फाइंड होंगी, और जब ए और डी की वैल्यू फाइंड होंगी तो आप देखिए एन पद निकालने का जो फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, उसकी मदद से जब आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर टी पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो, और यहाँ पर आप जब सोल्व करेंगे टी आर की वैल्यू कितनी आएगी, पी प्लस क्यू माइनस के आर। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर ए और डी दोनों को आपको सोल्व नहीं करना है, केवल आपको यहाँ पर इस शॉर्ट ट्रिक्स का फॉर्मेट समझना है, और आप जब इस शॉर्ट ट्रिक्स को अप्लाई करना सीख गए तो आपको ए डी की वैल्यू की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं कि कितना आएगा। तो देखिए, यहाँ पर टी पी इज इक्वल टू क्यू दे रखा है और टी क्यू इज इक्वल टू पी दे रखा है, तो आपको जो यहाँ पर रेस्पेक्ट में टी के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू दे रखी है, तो आप देखिए यहाँ पर जो वैल्यू निकाली गई है, जो वैल्यू दे रखी है, तो उसे देखिए, और फिर उसके बाद जो वैल्यू यहाँ पर होगी तो वही वैल्यू टी के रेस्पेक्ट में होनी चाहिए, और जहाँ टी के रेस्पेक्ट वाली वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए, तो आप डायरेक्टली आप लिख सकते हैं दोनों का। देखिए, जो पी और क्यू है तो आप सेलेक्ट कर लेंगे और पी क्यू को जोड़ कर देखेंगे, तो आप देखेंगे कि टी, जब दो वैल्यू जोड़ के देखेंगे तो टी में कोऑपरेट करके देखेंगे, तो अगर वो कोऑपरेट के साथ दो वैल्यू ऐड करने के साथ इक्वल है तो आप डायरेक्टली उसकी वैल्यू जीरो लिख देंगे। देखिए, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर टी 10 कितना है, यहाँ पर 15 है, यानी कि टी 10 इज इक्वल टू 15 है और टी 15 इज इक्वल टू 10 है। देखिए, यहाँ पर टी पी अगर उससे कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पर पी की वैल्यू 10 है और क्यू की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 15 है। टी 10 इज इक्वल टू 15 और टी 15 इज इक्वल टू 10, तो पी की वैल्यू यहाँ पर 10 है और क्यू की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 15, तो आपको देखिए वैल्यू क्या निकालनी है, टी 25, तो आप इन दोनों को जोड़ के देखिए, क्या इन दोनों को जोड़ने के साथ आपका टी 25 बैठ रहा है, हाँ बिल्कुल बैठ रहा है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं टी 25, या आप देखिए उसमें कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं टी 10 प्लस 15। तो देखिए, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 25 बैठेगा और टी 25 की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। तो देखिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। और देखिए, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है कि एपी का 17वां पद 15 है और 15वां पद 17 है, तो देखिए यहाँ पर अलग वैल्यू पूछी गई है टी 20, अन्यथा अगर इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग सवाल होता तो यहाँ पर होता टी 20 टी 32 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए आप कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये सेकंड वाले फॉर्मेट का क्वेश्चन है, तो आप देखिए यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 17 है, और क्यू की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 15 है। देखिए, जब आप इनसे इन दोनों से कंपेरिजन करेंगे तो पी क्यू की वैल्यू इतनी आएंगी, तो देखिए आप टी 20 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप लिखेंगे इन दोनों को ऐड करने के साथ लिखेंगे, तो 17 प्लस के 15 और माइनस क्या करना है, यहाँ पर 20 करना है, तो जब आप इन दोनों को सोल्व करके देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 32 माइनस के 20, तो फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, यहाँ पर 12। तो देखिए 12 कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एपी का 100वां पद 101 दे रखा है और 101वां पद 100 दे रखा है, तो यहाँ पर फाइंड करना है,
201वां पद कितना होगा। देखिए अगर आप इसे प्रॉपर मेथड से करते हैं तो काफी लेंथी सॉल्यूशन आएगा इसका, अगर आप सो ट्रिक्स की मदद से करते हैं तो काफी आसान सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। तो देखिए आपको यहाँ पर पी और क्यू की वैल्यू सेलेक्ट करनी है, आप देखिए यहाँ से कंपेरिजन करके पी और क्यू को सिलेक्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी है 100 और क्यू की वैल्यू है यहाँ पर 101, तो आप देखिए इन दोनों को ऐड करके देखिए, अगर ऐड करने के साथ पी और क्यू की जो वैल्यू है ऐड करने के साथ जो पूछी गई वैल्यू के इक्वल बैठ जाएगी तो आप डायरेक्टली इसका मान 0 लिख सकते हैं। तो देखिए पी और क्यू को ऐड करने के बाद कितना आएगा 201, तो यहाँ पर पूछा क्या गया टी 201 की वैल्यू पूछी गई है तो इसे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कितना 0। तो देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझिए। देखिए यहाँ पर एपी का 95वां पद 100 दे रखा है और 100वां पद 95 दे रखा है, तो यहाँ पर आपको प्राप्त करना है यानी फाइंड करना है T105 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए आप इस फॉर्मूले के आप इस फॉर्मूले की मदद से करेंगे तो देखिए यहाँ पर P की वैल्यू यहाँ पर है 95 और Q की वैल्यू है 100। तो देखिए आपको 105 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, दोनों को आप ऐड करेंगे P और Q को ऐड करेंगे और आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 105, तो देखिए सब्ट्रैक्शन करने के बाद आएगा 90। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट हुआ। इस वीडियो के अंतर्गत अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए थे और यहाँ पर देखिए सो ट्रिक्स के माध्यम से कितने आसान तरीके से मैंने इनका सॉल्यूशन कराया और मुझे आशा है कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।